नमस्कार दोस्तों, आप सबने अक्सर सुना होगा कि व्यक्ति को मेवों का सेवन करना चाहिए क्योंकि इनका सेवन करने से व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। लेकिन अब ये भी देखिए कि मेवों की जो कीमत है वो लगातार आसमान छूती जा रही है। ऐसे में कच्चे चने जो होते हैं वो काजू और बादाम से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कच्चे चने खाने का एक सही तरीका होता है और कच्चे चनों का सेवन उस सही तरीके से ही करना चाहिए, इसी से व्यक्ति को इसका पूरा फायदा मिल पाता है। दोस्तों, कच्चे चने खाने के ये फायदे हैं, जो भी व्यक्ति अपना वजन बढ़ाना चाहता है उनको कच्चे चने का सेवन अवश्य करना चाहिए। कच्चे चने में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो व्यक्ति का वजन बढ़ाने में बहुत आवश्यक है। जिन लोगों को कमजोर पाचन तंत्र की समस्या होती है उन लोगों को कच्चे चने का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि चने में वो सारे गुण होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। जिन लोगों को कमजोर हड्डियां और जोड़ों में दर्द की समस्या होती है उन लोगों के लिए भी चने काफी फायदेमंद हैं और उनको हड्डियां मजबूत करने के लिए कच्चे चने का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जानिए कच्चे चने खाने का सही तरीका क्या है। वैसे तो कच्चे चने खाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि कच्चे चनों को रात में भिगो कर रख दें और सुबह फूलने के बाद उनको खा लें। इस बात का ध्यान रखें कि भुने हुए या तले हुए चने नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर आपको कच्चे चने से होने वाले फायदे नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कच्चे चनों से होने वाले फायदे और उन्हें खाने का सही तरीका। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ घरेलू स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।